हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे, जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है। बेटा, जल्दी से सारे लोग बेटा कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है। बच्चे, ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बच्चे, दिस इज मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स, कैट, एसएससी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन निकेडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ बेटा, अगर मैं बात करूं तो द डीयू ड्रीम बैच आ रहा है आपका, 3 मंथ्स कोर्स है आपका फॉर डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, जो कि आपका बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका 4th ऑफ मार्च 2022 से। ठीक है, NLSIU टॉपर्स बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ मार्च से। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको सारे टॉपर्स एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चे, साथ ही साथ लॉ विस्टा क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, क्लैट एंड अदर लॉ, नेशनल लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच फॉर 2022 एग्जाम के लिए, जो कि आपका 2nd ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं बेटा। एंड रैंक बूस्टर एडवांस बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2nd ऑफ मार्च से, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लीगल फिक्स बैच की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2022 फरवरी 28 से आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट फॉर क्लैट, जो आपका एवरी वीकेंड एट 5 PM पर है, 20 मिनट्स का, 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपके फैकल्टीज के नेम यहाँ पर गिवन है आपके। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, क्लैट कॉम्बैट यानी कि 27 फेब, यानी कि बच्चे कल आपका 3 PM पर शेड्यूल किया गया है, जिसमें आप बेटा जो है, योर चांस टू विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़+, विन स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट एग्जाम 2022। इसमें फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड रैंक वाले को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप, 4 टू 10 रैंक वाले को मिलेगी 75% स्कॉलरशिप, 11 टू 50 को मिलेगी 50% स्कॉलरशिप, और 51 टू 100 रैंक वाले को मिलेगी 25% स्कॉलरशिप। साथ ही साथ आप जीत सकते हैं गूगल मिनी, JBL हेडफोन्स, बोट वॉच, स्मार्ट वॉच एंड अमेजॉन वाउचर। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर मैं, और इसमें इनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड काशी 10। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं कि लाइव किट फीचर ऐप की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर आप क्या कर सकते हो, क्विज होस्ट भी कर सकते हो और चाहो तो क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। यू कैन इधर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन, या और यू कैन ज्वाइन अ लाइव क्विज शेड्यूल्ड बाय अवर एजुकेटर्स। ठीक है, इसके अलावा यूलैट एंड अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे सुबह 11 AM पर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बात करी जाए, वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको आइकॉनिक सेशन मिलने लगे हैं, आइकॉनिक कोर्स आपका लॉन्च हो गया है क्लैट के लिए। इसमें आप अपनी स्टडी को बेटा पर्सनलाइज कर सकते हैं, और ज्यादा जानने के लिए बने रहे पूरे सेशन में मेरे साथ। स्पेशल क्लास फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल, रेज अ हैंड का फीचर, आपकी क्लासेस मिस नहीं होती क्योंकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जाती है, लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनी वे क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट करके सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए बच्चे। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बेटा सारे लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने गिवन है
कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2.5 टाइम्स इट्स विथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 70 मीटर वॉट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट प्लीज कमेंट फास्ट एवरी वन प्लीज कमेंट फास्ट वॉट विल बी द आंसर बच्चे ट्वेंटी मीटर ऑप्शन आया बेटा 20 मीटर तो आपका संस्कृति ऑप्शन में भी नहीं है हाँ 20 मीटर तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर पाथ की बात करी जा रही है ठीक है तो अगर आपकी एल और बी अगर मैं कहूँ बी बेटा आपकी ब्रेथ जो है वो मैंने कही एक्स है तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 2.5x हो जाएगी ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 70 मीटर यानी कि बच्चे आपका जो प्लॉट का पेरीमीटर है वो आपको 70 मीटर कहा गया है तो क्या होता है हमारा 2 × L + B इज इक्वल्स टू 70 तो एल प्लस बी आपका कितना हो जाएगा एल प्लस बी वुड बी 35 ठीक है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा तो बेटा ये आपका हो गया 3.5x इज इक्वल्स टू 35 ठीक है पॉइंट हटाएंगे जीरो लग जाएगा तो 35 से 35 कैंसिल आउट तो x इज इक्वल्स टू आपका हो गया 10। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट लेंथ कितनी आपकी 2.5x है तो x की वैल्यू अगर 10 हो गई तो 2.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25 मीटर नहीं हो जाएगी क्या बच्चा 25 मीटर इज योर राइट आंसर बताइए बात क्लियर होगी संस्कृति जल्दी से बचाओ बच्चा बात क्लियर हो गई फिर आगे बढ़ते हम लोग कमेंट फास्ट बात क्लियर होगी बेटा ठीक है अगर बच्चे बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा आपका ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा आंसर इसका कमेंट फास्ट एवरीवन व्हाट विल बी द आंसर जल्दी से बताइए बच्चे क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपका लिखा हुआ है x² + 1/x² ठीक है इज इक्वल्स टू आपका 79 दिया गया तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप दोनों तरफ +2 + 2 ऐड कर दो ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा x + 1/x² हो गया ये इज इक्वल्स टू आपका 81 ठीक है ना 81 यानी कि बेटा x अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो आपका आपका क्या हो गया x + 1/x इज इक्वल्स टू आपका 9 प्लस माइनस का आया है ऑप्शन में तो बेटा प्लस माइनस 9 आप यूज कर सकते हो आपका आंसर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9 ठीक है ठीक है बच्चे आपका ये आंसर हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका ठीक है। जल्दी से बेटा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग क्या हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कह रहा है, देयर इज अ 4 मीटर वाइड रोड इनसाइड अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन अलोंग द वॉल्स ऑफ गार्डन। इफ एरिया ऑफ द रोड इज 1760 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, आपसे ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपसे सबसे पहले क्या किया गया, ये आपका एक गार्डन हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से। देयर इज अ 4 मीटर वाइड रोड इनसाइड अ स्क्वायर शेप गार्डन, तो बेटा आपका ये अंदर गार्डन हो गया। ठीक, स्क्वायर शेप का गार्डन है तो सपोज दैट आपका ये ए हो गया और 4 मीटर वाइड है तो बेटा आपका ये ए माइनस फोर और ये आपका ए माइनस फोर। अच्छा दोनों तरफ हो जाएगा तो ए माइनस एट आपका और ये आपका ए माइनस एट। इफ एरिया ऑफ द रोड इज 1760 मीटर स्क्वायर, यानी कि बेटा बड़े वाले स्क्वायर में छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो तो आपका रोड का एरिया आपका बचेगा, रोड का एरिया आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर, कंडीशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका दिया गया है यहां पर बेटा, गिवन है 1760। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 64, माइनस टू ए भी होता है ब्रैकेट खोलने पर आपका प्लस टू ए भी हो जाएगा, तो प्लस ए टू द 16 ए इज इक्वल्स टू आपका 1760। ठीक है, ए और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो बेटा 16 ए इज इक्वल्स टू 1760। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा जी, आपका 60 प्लस आपका 64, तो ऐड हो गया कितना हो गया, 481। ठीक है, 16 ए इज इक्वल्स टू, बताइए जी इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब बेटा मैं इतनी बात क्लियर हो गई तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 1824 डिवाइड में मैं करूंगा आपका 16। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 114। ठीक है, ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 114 आ गई। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये 4a की वैल्यू पूछ रहा है, 4a की वैल्यू पूछ रहा है। a की वैल्यू अगर 114 आ गई तो 4a इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बेटा 456, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका डी। बताइए जी बात क्लियर हो गई सभी को, जल्दी से बताओ बेटा बात क्लियर हो गई सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा बताइए, अ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 20 मीटर एंड विथ 15 मीटर, देयर इज अ स्क्वायर पिट हैविंग डायमेंशन 15 मीटर इंटू 15 मीटर, दिस पिट इज टू बी फिल्ड यूनिफॉर्मली अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर बाई द सॉइल टेकन आउट बाई डिगिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड।
फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ द सॉइल इज टेकन आउट यूनिफॉर्मली, यानी कि एक आपका आयताकार आपका वो है, ठीक है, एक आयताकार आपकी फील्ड है, उस आयताकार फील्ड में से आपका जो है खोद कर निकालेगी कुछ मिट्टी, एक स्क्वायर शेप की फील्ड में आपका फिल कर देगी। तो स्क्वायर शेप जो आपका फील्ड था वो आपका 4 मीटर इंक्रीज हो गया। तो पूछ रहा है कि वो जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड था उससे कितनी डेप्थ तक आपने जो है वो मिट्टी निकाली है, आपसे ये पूछ रहा है। जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आपका। तो बेटा देखो, जैसे लेट सपोज दैट आपका एरिया कितना था, 20 मीटर × 15 मीटर हो गया, ठीक है, और आपकी डेप्थ हो गई सपोज दैट एक्स, और वही एरिया आपका 15 मीटर × 15 मीटर, और डेप्थ आपको दी गई है 4। तो 15 से बेटा आपका 15 कट गया, 4 से मैंने ये काटा आपका 5 हो गया, ठीक है, 5 से मैंने ये काटा आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 मीटर आ गई। 3 मीटर इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, संस्कृति, वेरी गुड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत प्यारा आंसर था बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर बेटा इसका, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। पंद्रह सेंटीमीटर कह रहे हो बेटा, 15 नहीं होगा आपका संस्कृति। एक्चुअली में क्या कहा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ, 4 मीटर 95 हो गया, तो ये आपका हो गया 495, ये हो गया आपका 9 मीटर है, इट मीन्स आपका 900, 16 मीटर है, इट मीन्स आपका 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एच सी एफ निकालना होता है। एच सी एफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो बेटा 900 को हमने 495 से डिवाइड किया, तो 1 टाइम गया आपका 495 हो गया आपका, कितना हो गया बेटा, 10 में 5 आपका 5, ठीक, 9 में आपका 9 हो गया, अब 0 आपका, ये हो गया आपका 5। पक्का ऐसे कैसे हो सकता है, 495, 495 तो आपका कितना, 9 में, सॉरी यहाँ पर आपका हो गया 4, अगेन मैंने 495 से डिवाइड किया, तो 1 टाइम गया आपका, तो बेटा ये हो गया आपका 405, कितना रिमाइंडर बचा आपका 90। मैंने 405 को फिर से मैंने डिवाइड किया, तो बेटा आपका कितनी बार गया, 360 टाइम गया आपका,
बचा आपका 45। फिर मैंने 45 को 90 से डिवाइड, 90 को 45 से डिवाइड कर दिया, 2 टाइम गया एंड इट इज कैंसल्ड। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका, 45 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा बात क्लियर हो गई? बताइए बेटा जल्दी से, आंसर क्लियर है यहाँ पे सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अगर बेटा ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, कमेंट फास्ट। जल्दी से आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका? देयर आर फाइव चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हैव फोर चॉइसेस ईच एंड द रिमेनिंग टू क्वेश्चन हैव फाइव चॉइसेस ईच। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आंसर आपका? कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइए बेटा कमेंट फास्ट। संस्कृति बेटा जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्राई करिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा आंसर? कमेंट फास्ट एवरीवन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। There are five multiple choice questions in an examination. First three questions have four choices each, and the remaining two questions have five choices each. How many sequences of answer are possible? जल्दी से बेटा आंसर बताओ सारे लोग।
नहीं आया किसी का? सनातन पांडे? नहीं भाई, 1200 नहीं होगा, 1200 नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए एक क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप दो होमवर्क में, ठीक है? देखते हैं किसका आंसर सही होता है, थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। इफ अनिल स्कोर्स 80, 72, 80, 85 एंड 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय अनिल? प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है? सनातन एक बार क्वेश्चन करिएगा, आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा मन लगा के करिएगा, बस इतनी से रिक्वेस्ट है, ठीक? जल्दी से ट्राई करो इसको। क्या कह रहा है? इफ अनिल स्कोर्स 80, 72, 80, 85 एंड 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन 5 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अनिल? तो बेटा सिंपल सा है, आपका क्या होता है इसका आंसर, एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 80 प्लस 72 प्लस आपका 80 प्लस आपका 85 प्लस आपका 78 अपॉन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हो गया बेटा आपका 5। तो आप ऐसा करो, कुछ भी एक आप एवरेज मान लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, आप कुछ भी एक एवरेज मान लो। लेट सपोज दैट हमारा एवरेज 80 है, लेट सपोज दैट हमारा एवरेज 80 है, तो बेटा 80 से कितना कम है आपका, 0, ये कितना कम है आपका, माइनस का 8, प्लस का 0, प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का 2। अगर मैं ऐड करूंगा तो आपका 10 में से 5 गया बेटा, कितना हो गया आपका 5, ठीक है, कितना हो गया आपका 5, लेकिन माइनस का 5 का फर्क पड़ रहा है 5 पर, तो बेटा रिजल्ट आएगा आपका माइनस का 1। क्या आएगा आपका, माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 आपने जो सपोज किया उसमें से माइनस 1 कर दो, तो माइनस 1 में कर दूंगा, आंसर आ जाएगा आपका 79 इज योर राइट आंसर। कितना आ गया बेटा, 79 इज योर राइट आंसर, ठीक है? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो मैं तेज तेज चल रहा हूं, आपने कह दिया तो मैं तेज तेज चल रहा हूं, समझे सनातन? आपने कह दिया तो मैं तेज तेज चल रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सनातन, कमेंट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हमें आंसर बताइए इस। जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या होगा। चलो ठीक है, बी है आपने बताया, तो चलो देखते हैं जी बी होगा कि नहीं होगा। क्या कह रहा है, स्टूडेंट रिक्वायर्ड 45% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन इफ ही गॉट 138 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स, यानी कि उसको जो है 45% मार्क्स चाहिए थे, उसने 138 मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 15% से, यानी कि 138 मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 15% से। इट मीन्स अगर 45 में से 15% कम मार्क्स आए उसके, और वो ये जो है बेटा कितने के बराबर है आपके, 30%। तो ये मार्क्स जो 138 है वो कितने के बराबर है, 30%।
30% की वैल्यू होगी 138। मैं 10% की वैल्यू कहूँ तो कितनी हो जाएगी, कट करूंगा तो आ गया आपका 46। क्या पूछ रहा है? टोटल मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू, तो बेटा 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 460 इज योर राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या आ जाएगा जी, राइट आंसर आ जाएगा। बताइए सनातन, क्लियर हो गया? सनातन बेटा क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए सनातन, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट आपको अगर मैन्युअली देखना है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कमेंट फास्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, अभी नहीं आया आंसर। अचल कह रही है 4 होगा, चलो जी देखते हैं 4 होगा कि नहीं होगा। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3, यानी कि अगर आपका 3 रिमाइंडर दे रहा है तो बेटा 5 में 3 जोड़ दो 8 हो गया। अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूं तो आपका कितना रिमाइंडर बेटा मिल देगा, 3। अब क्या कह रहा है, अगर उस नंबर को स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि बेटा 64 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो आपका कितने टाइम जाएगा, आपको पता है 12 5 का कितना होता है 60, रिमाइंडर बेटा उस कंडीशन में आपका कितना आएगा, 4 आएगा। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है जल्दी से बताओ। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइए प्लीज क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2500, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वेश्चन इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 50। जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 2500 है, यानी कि एक नंबर अगर जैसे आपका 400 हो गया तो दूसरा बेटा आपका 2900 होगा। अगर आपसे कह रहा है द स्मॉलर नंबर इज, आपसे ये ऑप्शन है तो बेटा आपका कैपिटल मतलब लार्जर नंबर पता और क्या है, क्या होना चाहिए, इससे 2500 ज्यादा, ठीक है ना, इससे 2500 ज्यादा, 2500 ज्यादा का मतलब 2500 में मैंने 250 ऐड किया तो ये हो गया आपका 2750, 2750।
इसमें मैंने 2500 ऐड किया, तो बेटा 2500 2780 हो गया आपका ये। मैंने इसमें पर 2500 ऐड किया, ये हो गया आपका 2850, ठीक है। और मैंने इसमें 2500 ऐड किया तो ये हो गया बेटा हमारा 2900। अब क्या कह रहा है कि जब लार्जर, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वोशेंट इज 8। यानी कि इसका 8 टाइम करो बेटा, देखो कितना आ रहा है आपका, 800 25 अट्ठे 200 होता है आपका 2000। क्या इसमें 50 ऐड करने पर ये नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 8 बेटा किया, यह हमारा हो गया 800 2240। क्या 50 ऐड करने पर मुझे ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो बेटा मैंने इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 800, 8 5 40 0 एंड 8 24, 24 + 4 यानी कि आपका 28। बेटा 2800 में 50 ऐड करने पर देखो मुझे 2850 मिल रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा बेटा सी। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए आपके? गलत हो गए। बताइए जी, बात क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, बताइए बेटा, बात क्लियर हो गई सभी को? बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा ये, बताइए जी, बात क्लियर हो गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, बात क्लियर हो गई? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट फास्ट। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, देन 6 इज एडेड टू ईच नंबर एंड एट लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर इज। तो बेटा हमेशा याद रखना, एवरेज आपका वही होगा, जो एवरेज में वही इफेक्ट पड़ेगा जो आपका सारे नंबर्स पे पड़ा है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो 7 को भी 12 से डिवाइड कर दो आप, 12 मल्टीप्लाइड बाई ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कि 12 इंटू 7 हो गया आपका 84। देन नंबर 6 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी कि 6 ऐड कर दिया तो बेटा हो गया आपका 90। एंड एट लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, तो बेटा 90 डिवाइड बाई 15 करोगे देन द रिजल्ट इज 6। तो आपका नया एवरेज बेटा कितना हो जाएगा? 6 आपका नया एवरेज हो जाएगा। बताइए जी, बात क्लियर है? बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन का। बताइए बच्चा, सारे लोगों को बात क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अभी इसके जस्ट बाद मेरी अनअकैडमी लॉ पर क्लास है, आप मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। समझ नहीं आया विंसेंट, अभी बता दूंगा बेटा क्या किया मैंने। वेट फॉर दिस क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन द ईयर 2000 एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए वाज 5 मिलियन, इफ इन ईयर
2001 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वॉज 5.23 मिलियन देन वॉट वॉज द परसेंटेज चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर, जल्दी से बताइएगा कमेंट। आंसर डायरेक्ट का है, लॉ वाली का टाइम इसके जस्ट जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तुरंत लॉ वाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा बी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आपका 5 मिलियन से आपका 5.23 मिलियन हो गया, यानी कि आपका 0.23 मिलियन इंक्रीज हुआ है। कितने पर? 5 पर। पॉइंट हटाएंगे, 00 लग जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 23 बाई डिवाइड बाई 5 करेंगे तो बच्चा आपका आ जाएगा 4.6%। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका कितना? बी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लो क्या था आपका। बेटा जो जो आपसे कहा जा रहा है वही वही आप करते जाओ। तो एवरेज जैसे आपका 7 है, फिर क्या कह रहा है, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, तो 7 भी आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 84। फिर ईच नंबर इज देन 6 इज एडेड टू ईच नंबर, तो इसमें भी 6 ऐड हो जाएगा तो आ गया 90। फिर क्या कह रहा है, एंड द एटलीस्ट ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, तो बेटा इसको भी हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे, हमारा नया एवरेज आ जाएगा आपका 6। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हाँ जी, ये भी क्लैट की क्लास है, अनअकैडमी लॉ पर जो क्लास होगी वो आपकी टॉपिक वाइज होगी, ये आपका एक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक, चलो जी, तो ऐसा करते हैं ये सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे हम लोग अनअकैडमी लॉ पे, बस 2 मिनट बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसके खत्म होने के बाद। ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, तो आपको मिलती है अब फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, जिसमें आप प्लस फीचर्स, प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको प्लस के फीचर्स के साथ साथ 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन और प्रायोरिटी मिलती है लाइव क्लासेस में। 3 मंथ्स में आपको 18 सेशन मिलते हैं, 6 मंथ में 36 एंड 12 मंथ में 72, 24 मंथ में 144 सेशंस मिलते हैं आपको बेटा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन 2700 रुपीज़ पर मंथ, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका पड़ता है 3300 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका पड़ता है 1600 रुपीज़ पर मंथ, एंड 18 मंथ का पड़ता है 1800 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बता सकते है मेरा कोड काशी 10, जिससे आपको जो है आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ बेटा आज आपका लास्ट डे है 26 फरवरी को, अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं तो आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड काशी 10 तो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अभी जस्ट 5 मिनट बाद अनअकैडमी लॉ पर, तो आ जाइए मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी लॉ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।